हाँ 10 साल भी नहीं बीतिया सी, 6 साल दी आयु। एक दिन करों क्या कि अपने वड्डे प्राता वास्ते लस्सी ले जाओ। सरदार भगत सिंह बाहर पिंड दे अपनी जमीन छलवा रहे से, लस्सी चुकी है तुर पे हैं। उन्होंने देखा अपने छोटे भरा नूं कि लस्सी ले आ रहे हैं, हाल खड़ा करके दरख्त दे थले बैठ के हैं, लस्सी फड़ी है। लस्सी पीन लगे ते नाम लैके कहन लगे कि उन्नी देर फिर तू हल वाह ले। बाबा नंद सिंह साहब ने हल फड़िया है, तुरे हैं किनारे ते पहुँचे खेत दे तो उत्थे खड़े हो गए। प्राता देख के बड़ा हैरान हो रहा है कि मुड़े नहीं, हल नूं मोड़िया नहीं। लस्सी पी के उठ के कोल गया है प्राता, पुछदा है नाम लैके कि मुड़िया क्यों नहीं। तो अगों मुखों फरमाते हैं कि वीर जी उस सामने घर वाल देखो, उस घर च श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नज़र आ रहा। देखिया कि हाँ नज़र आ रहा है। उस वेले फरमा की रहे हैं कि वीर जी ए नंद सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहब वाल कभी पिठ नहीं कर सकते। सरदार भगत सिंह हुनी देख के हैरान हो रहे हैं, बिजली वाकन वो सारे पिछले वाकयात नज़र आ रहे हैं कि किस तरह यही मेरा छोटा जिहा वीर प्रकाश दे विच लिपट आया है संसार, किस तरह 5 साल की आयु दे विच माँ दे मूँह च बैठ के माँ शेर की सवारी करता होया उस वेले गुरु नानक पातशाह दे चरणां नाल जुड़िया बैठा है। अज एक ऐलानिया गल कर रहा है कि ये नंद सिंह कभी भी श्री गुरु साहब वाल पिठ नहीं कर सकता। था संगत जी उतों एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि ये गुरमुख गुरु नानक पातशाह ते उन्हां दे ही तीजे स्वरूप गुरु अमरदास जी दे चरण कमलों का गड्डा वड्डा कमाली आशक सीगा। जे नहीं पिठ की उन्होंने गुरु अंगद साहब वाल, जे पुठे पैरी तुरे जाते हैं, कि सख्त कड़ाके की गर्मी है, कि सख्त कड़ाके की सर्दी है, साहब ने पिठ नहीं की अपने गुरु वाल। ओ बाबा नंद सिंह साहब ओ ही चरणा दे आशक, ओ चरण कमलों के चिन्हों नूं प्रकाश करन वास्ते आए हुए हैं। 6 साल की उम्र च ऐलान कर देंदे हैं कि मैं अपने साहब सतगुरु दे ओ पाक कदमों के निशाना ते चलदा होया अपने श्री गुरु ग्रंथ साहब वल, जेहड़े प्रतख मेरे गुरु अमरदास जी हैं उन्हां वल पिठ नहीं करांगा।